जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए नमस्कार केपीटी भारत न्यूज चैनल, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। जनपद कानपुर के टाट मिल चौराहे पर कल हुए इलेक्ट्रिक बस एक्सीडेंट से घायल लोगों की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने रात्रि को हेड अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति जानी। सभी घायलों का बेहतर इलाज कराने हेतु मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को निर्देशित किया। घायलों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाते हुए उनकी निगरानी में सभी घायल लोगों को इलाज कराने के निर्देश दिए। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आपके साथ है और कहा कि सभी संभव सहायता कराई जाएगी। दुर्घटना है तो जिम्मेदार के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता अनुज कुमार सोनकर की रिपोर्ट। अरे मैं